हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको सबको मालूम है कि लॉकडाउन जो है वो और आगे बढ़ा दिया गया है। अब 3 मई तक जो है बिल्कुल जो है फिर वैसी ही स्थिति रहेगी, हम अपने घरों में रहेंगे। और ऐसा कुछ न्यूज़ आ रही है कि स्कूल अभी तक काफ़ी लंबे टाइम तक, मे भी हो सकता है मई में या जून में भी ओपन नहीं होंगे। तो ये जो लॉकडाउन है ये हमारी स्टडी को लॉक ना करे, इसलिए हम ये जो ऑनलाइन क्लासेस है अपनी कंटिन्यू करेंगे। तो इसी सीरीज़ में हमने जो लास्ट जो हमने डिस्कस किया था सेल के बारे में, और जो सेल हम स्टडी कर रहे हैं, तो सेल इससे पहले हमने सेल की डिस्कवरी स्टडी कर ली। उसके बाद हमने पढ़ा कि देर आर 2 टाइप ऑफ सेल, और उससे नेक्स्ट जो लेक्चर था मैंने उसमें बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, एक चीज छोटी सी उसमें रह गई थी, मैं इसमें कंप्लीट करूंगा कि ये एक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, उसकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कैप्सूल जो कुछ भी है, मैंने इसमें मान लीजिए लाइन वही जो है वो शो कर रही है। इसके बिल्कुल सेंटर में, साइटोप्लाज्म में डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, दिस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म विच कैरीज डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। मेन जीन्स, ये जो डीएनए है अगर हम इसको बाहर निकाल के बनाएं तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, मींस डीएनए की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, आप इसको आगे जाकर डिस्कस करेंगे। डीएनए के ऊपर जीन्स होते हैं, मान लीजिए इतना जो डीएनए है कोड फॉर अ प्रोटीन, सो दिस मच स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। देर आर सो मेनी जीन्स ऑन दिस डीएनए एंड ईच एंड एवरी जीन कोड फॉर अ प्रोटीन, एंजाइम्स एटसेट्रा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो डीएनए है उसमें जितनी भी प्रोटीन्स सेल के अंदर बन रही हैं, जितने भी एंजाइम्स सेल के अंदर बन रहे हैं, ठीक है, उस सब का इंफॉर्मेशन इस डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। आप ये कह सकते हैं कि टोटल अगर डीएनए हम ऐसे इसका रखें, ठीक है, हालांकि ये सर्कुलर डीएनए होता है लेकिन हम इसको समझने के लिए स्ट्रेट रखते हैं, तो इसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं डीएनए के, दोस आर कॉल्ड जीन्स। ओके, तो अभी मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, इसमें क्या रह गया था, इसमें ये रह गया था कि जो मेन जीन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द डीएनए, बट देर इज अनदर डीएनए विच इज वेरी स्मॉल एंड सर्कुलर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म अदर देन द मेन डीएनए। ठीक है, दिस इज द मेन डीएनए, दिस इज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए विच कैरीज मोस्ट ऑफ द जीन्स, विच कैरीज ऑलमोस्ट ऑल जीन्स नेसेसरी फॉर द बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड द एंजाइम्स विच आर नेसेसरी फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, बट some other small, this is small, some other small double stranded circular DNA may present in the cytoplasm of the DNA, ठीक है, this is called plasmid, इसको क्या बोलते हैं, plasmid। ठीक है, मैंने आपको कहा कि almost सभी जीन यहां present होते हैं which are necessary for the main activity of the cell, but this plasmid may carry some genes which are not necessary for the survival, means these genes are not doing any main function of the cell, but these genes give some extra quality to the bacterial cell, right? Like there may be a gene on the plasmid which provide this bacteria resistance against antibiotic, this is called antibiotic resistance, right? मान लीजिए हमारे पास ये कोई medium है और इसके अंदर हमने bacteria grow करवाए और ये थोड़ी देर में ये bacteria अपना number increase करने के, यहाँ पे bacteria binary fusion से grow करते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें थोड़ा सा कोई एंटीबायोटिक ऐड करते हैं लाइक पेनिसिलिन, सो दिस पेनिसिलिन, दिस इज अ केमिकल,
दिस इज केमिकल कंपाउंड, ठीक है, विच कैन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, राइट, बट द बैक्टीरिया इन विच प्लाज्मिड इज प्रेजेंट, दिस प्लाज्मिड इज प्रेजेंट, ठीक है, द बैक्टीरिया इन विच प्लाज्मिड इज प्रेजेंट दैट विल रजिस्ट द एक्टिविटी ऑफ पेंसिलिन, एक्शन ऑफ पेंसिलिन, मीन्स जो पेंसिलिन है वो सभी बैक्टीरिया के ऊपर अपना के ऊपर उसकी ग्रोथ को उसको किल नहीं कर पाएगी, ठीक है, सिर्फ उन्हीं बैक्टीरिया को किल कर पाएगी जिसके अंदर क्या नहीं है, प्लाज्मिड नहीं है, ये किल हो जाएंगे सारे, बट द बैक्टीरिया विच हैव प्लाज्मिड इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड दैट प्लाज्मिड कैरीज जीन विच गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस पेनिसिलिन दैट बैक्टीरिया विल सर्वाइव इन दिस एडवर्स कंडीशन, राइट। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि प्लाज्मिड जो है उसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं विच जीन्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन वाले जीन्स सभी यहां पर प्रेजेंट है, बट देर आर सम जीन्स ऑन द प्लाज्मिड विच गिव प्लाज्मिड सम एक्स्ट्रा क्वालिटी लाइक राइट लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लाइक सम हैवी मेटल रेजिस्टेंस राइट सम वन मोर क्वालिटी फिमरी इसको हम एक फर्टिलिटी फैक्टर बोलते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि फिमरी आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया, सो ऐसे ही फिमरी में फिमरी हम जिसको बोलते हैं फर्टिलिटी फैक्टर, उसको बनाने के लिए जो जीन है दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन प्लाज्मिड, राइट। तो प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मीन्स दिस इज अ क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया बट प्लाज्मिड इज प्रेजेंट आउटसाइड इट, सो इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए विच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा क्वालिटी लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लाइक रेजिस्टेंस अगेंस्ट हैवी मेटल्स राइट एंड प्रोवाइड द जीन फॉर द फर्टिलिटी फैक्टर, दिस फर्टिलिटी फैक्टर हेल्प्स इन द कंजुगेशन प्रोसेस ऑफ द बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, राइट। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेशन क्या होता है, मीन्स कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ये प्लाज्मिड प्रोवाइड करते हैं, ये प्लाज्मिड जो है वो जैसा ये प्लाज्मिड है ऐसे ही और भी प्लाज्मिड इसके अंदर इसकी कॉपी के रूप में पड़े होंगे, मीन्स ऐसे प्लाज्मिड 5, 7, 10, 15 हो सकते हैं, तो कितने नंबर हैं प्लाज्मिड के, दैट इज कॉल्ड कॉपी नंबर ऑफ दैट प्लाज्मिड, राइट। ओके, दिस प्लाज्मिड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, उसमें इस प्लाज्मिड को एक वेक्टर की तरह यूज किया जाता है, ठीक है, बिकॉज इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जैसे ही मान लीजिए मैं आपको यहां पर यह समझा रहा हूं, ये एक बैक्टीरिया है और ये इसका डीएनए है, ये प्लाज्मिड है, ये बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन से जब डिवाइड करेगा टू बैक्टीरिया डॉटर बैक्टीरिया डिवाइड हो जाएंगे, तो उससे पहले ही इसका डीएनए भी डबल होगा और वो डीएनए डबल होकर एक एक कॉपी दोनों सेल्स के अंदर चली जाएगी, ठीक है, लेकिन जो प्लाज्मिड है वो भी डबल हो जाएगा और दोनों कॉपीज जो है वो दो अलग अलग डॉटर बैक्टीरिया में चली जाएगी, मीन्स दिस प्लाज्मिड डू नॉट डिपेंड ऑन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम टू रेप्लीकेट टू डिवाइड, ठीक है, टू मल्टीप्लाई, इट हैज ability of self replication. So this property of the plasmid make it suitable for the recombinant DNA technology, right? So this is all about the plasmid, right? Okay. Student, अभी वापिस cell के structure पे आ जाएंगे. एक scientist हुए जिनका नाम था Hans क्रिश्चियन ग्राम, तो इन साइंटिस्ट ने कहा, क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो बैक्टीरिया हैं
जितने भी बैक्टीरिया हैं, ऑल बैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल. कि भाई सेल वॉल सभी बैक्टीरिया की एक जैसी नहीं होती है, ठीक है. सम बैक्टीरिया कैन बी प्लेस्ड इन ग्राम पॉजिटिव कैटेगरी एंड सम इन ग्राम नेगेटिव. मतलब बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल कंपोजिशन, ठीक है. इस सेल वॉल के बेसिस पर बैक्टीरिया हम कह सकते हैं. मैंने आपको कहा बैक्टीरिया बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के होते हैं. पहले मैंने बताया था कि बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर यू बैक्टीरिया एंड आर्किया बैक्टीरिया. बट जो आपके यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल वी कैन कैटेगराइज दोज बैक्टीरिया इनटू टू ग्रुप्स, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ठीक है. तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे कि जो सेल वॉल है फर्स्ट ऑफ ऑल वो किसकी बनी होती है, कैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, और सेकंड हम चीज ये देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल में क्या डिफरेंस क्या होता है, ठीक है. इसको हम डिस्कस करेंगे. ओके. द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया is made up of peptidoglycan. This is the substance which is present in the cell wall of bacteria. ठीक है. साइड बाय साइड दूसरा भी याद कर लो कि फंगस, फंगल सेल अगर हम देखेंगे फंगस तो उसकी सेल वॉल भी होती है वो किसकी बनी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है. और एक प्लांट सेल भी होते हैं, प्लांट सेल उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, ठीक है. तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है तो आप इसको अपने पास नोट करेंगे. सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, फंगस की काइटिन से और प्लांट सेल की सेलुलोज या पेक्टिन से बनी होती है. तो दीज आर द थ्री ऑर्गेनिज्म विच कैरी सेल वॉल. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है. ओके. तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर देखें कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की. पेप्टिडोग्लाइकन आखिर है क्या है, ठीक है. तो पेप्टिडोग्लाइकन में दो चीजें आ रही है, एक तो है पेप्टिडो, इट इज समथिंग पेप्टाइड्स, यू कह लो कि इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है. प्रोटीन से बनता है ये, पेप्टाइड मीन्स प्रोटीन, या इसको हम ऐसे लिखें कि अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, ठीक है. जैसे मान लो एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, चौथा अमाइनो एसिड, ऐसे अमाइनो एसिड्स अगर, ठीक है, एक छोटी सी चेन बना ले तो उसको बोलते हैं पेप्टाइड चेन, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन. सो पेप्टाइडो का मतलब क्या है, यहां पर अमीनो एसिड की एक स्मॉल चेन, ठीक है. और ग्लाइकन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है. तो कहने का मतलब है कि जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकन, मींस अमीनो एसिड की चेन और कार्बोहाइड्रेट जब मिलेंगे तो बनेगा पेप्टिडो ग्लाइकन. This is the chemical composition of the peptidoglycan, ठीक है. अगर हम इसको साइड बाय साइड एक और चीज देखें कि peptidoglycan में होगा क्या, ये ग्लाइकन क्या है, ग्लाइकन को थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं कौन सा कार्बोहाइड्रेट में होगा, ठीक है. तो आप इसको थोड़ा सा डिटेल में आप समझने वाले हैं, क्योंकि अगर आप इसको अभी बेसिक अपने क्लियर करते चलेंगे तो आपको ये आगे जाकर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा. मैं यहां पर पेप्टिडोग्लाइकन बना रहा हूं. पेप्टिडोग्लाइकन में जो ग्लाइकन है उसमें दो चीजें पड़ी हुई ग्लाइकन में, ठीक है. एक मैं इस तरह से जो बना रहा हूं, ठीक है, दिस इज एक्चुअली नैम विच इज कॉल्ड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड,
मिरामिक एसिड एंड एसिटाइल मिरामिक एसिड, ठीक है। और एक दूसरी चीज मैं यहां पर इस तरह से बना देता हूं, दिस इज कॉल्ड नैक, एन एसिटाइल ग्लूकोसा माइन। तो ग्लाइकिन जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, नैम और नैक, ठीक है। तो आगे मैं इसको बताता हूं कि कैसे। और यहां पर कुछ एक पेप्टाइड्स हैं, वो इस तरह से हैं, देयर आर सम पेप्टाइड्स, ठीक है। तो पेप्टाइड्स और ये नैम और नैक कैसे अपने आप को अरेंज करके अपने आप में फिक्स होकर एक सेल वॉल बना रहे हैं, ठीक है। अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया की ये सेल वॉल है, तो मैं इस सेल वॉल के बारे में बता रहा हूं कि दिस लाइन इज मेड अप ऑफ नैम नैक एंड पेप्टाइड्स, ठीक है। तो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो अरेंज होते हैं, ठीक है। जैसे दिस इज नैम नैक नैम, ठीक है। इस तरह से आगे ये क्या है, नैम नैम नैग नैम नैग, ऐसी एक और लेयर, ठीक है, ऐसी ही एक और लेयर भी होगी, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, मैं बैक्टीरिया की इस लेयर को बड़ा करके यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, मींस ये छोटी सी जो लेयर है उसको ये बड़ा करके यहां पर समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये जो नैम है, दीज नैम्स, दीज आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, राइट, दीज आर पेप्टाइड्स, इस तरह से पेप्टाइड्स जो है वो यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। जो पेप्टाइड यहां इस नैम से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इस साइड को आ रहे हैं, जो इस साइड से ओरिजिनेट हो रहे हैं वो ये हैं, और ये पेप्टाइड आपस में ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांस पेप्टाइड, ठीक है। दीज आर द पेप्टाइड्स एंड द पेप्टाइड चेन विच इज कनेक्टिंग द टू पेप्टाइड्स विच इज दिस इज कॉल्ड ट्रांस ट्रांसपेप्टाइड, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सबको कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। ये तो नैम आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन जो नैम है और जो नैग है, दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ दीज बॉन्ड्स। और आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो बॉन्ड किसमें, कार्बोहाइड्रेट में बनते हैं, दोज बॉन्ड्स आर कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो दीज आर द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, इसको लिख लीजिए आप, ये कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन। तो आप यहां से ये समझो कि पेप्टिडोग्लाइकन मेनली तीन चीजों से मिलके बना है, नैम नैग एंड पेप्टाइड्स, ठीक है। नैम एंड नैग आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, and NAM and NAMs are connected with each other with the help of these peptides, right? मैं क्यों आपको इतना डिटेल में समझा रहा हूं, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं, मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, right? और ये जो बैक्टीरिया है हमारे माउथ में या बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, या आंखों में एंटर कर रहा है, हवा से, पानी से, किसी भी चीज से, ठीक है। तो हमारी आईज में टीयर्स होते हैं, हमारी माउथ में सलाइवा होता है, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर जो सरफेस है उसमें म्यूकस होता है,
इन सब सब्सटेंसेस में एक एंजाइम पाया जाता है विच इज कॉल्ड, मैं यहां इसको लिख रहा हूं थोड़ा सेंटर में लिखता ताकि आप देख पाओ, दिस इज कॉल्ड लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। जब लाइसोजाइम जब बैक्टीरिया हमारे माउथ में वाटर से फूड से किसी भी रास्ते से बॉडी में एंटर करने की कोशिश कर रहा है तो ये जो लाइसोजोम है इट एक्चुअली प्रेजेंट इन द सलाइवा टीयर्स इट ब्रेक द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन दीज नैन एंड नैन, ठीक है। और जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो सेल वॉल जो है वो ब्रेक हो जाएगी, सेल वॉल ही टूट जाएगी बैक्टीरिया की, और सेल वॉल जब ब्रेक हो जाएगी देन इट विल कॉज द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया, ठीक है। तो अभी आप एक चीज समझिए कि हमारे सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक्चुअली ब्रेक द पेप्टिडोग्लाइकन लिंकेज बिटवीन द नैम एंड नैक। आप सिंपली ये भी समझ सकते हो कि पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को ही ब्रेक कर देता है कौन, लाइसोजाइम विच इज प्रेजेंट इन द टीयर्स इन द माउथ इन द सलाइवा इन द म्यूकस सिक्रीशन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक रेस्पिरेटरी ट्रैक एक्सेट्रा, राइट। ओके स्टूडेंट, जब कोई इन्फेक्शन होता है, मान लीजिए बैक्टीरिया है, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है उस टाइम हम कुछ एंटीबायोटिक भी खाते हैं, ठीक है, स्पेशली पेनिसिलिन, ठीक है। ये जो पेनिसिलिन हम खाते हैं, ठीक है, इट एक्चुअली डिसरप्ट द बॉन्डिंग बिटवीन द नैम एंड नैक, ये जो बॉन्ड है इसको तोड़ देता है, ये जो बीच में बॉन्डिंग है किसके बीच में, जो ट्रांसपेप्टाइड बॉन्डिंग है इसको ब्रेक कर देता है ऑफ न्यूली फॉर्म्ड सेल्स, ठीक है। जैसे हम ये पढ़ रहे थे कि एक बैक्टीरिया जो है वो दो में डिवाइड हो रहा है, मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है और ये दो में डिवाइड हुआ, थोड़े छोटे बैक्टीरिया बने, अब ये साइज में बड़े होंगे और इसकी इसके सेल के अंदर ही क्या बनेगी, पेप्टिडोग्लाइकन बनेगी और वो यहां जमा होती रहेगी, ये सेल बड़ा होगा। तो जो पेप्टिडोग्लाइकन के बीच में जो नैम और नैक के बीच में जो ये बॉन्डिंग होनी थी पेंसिलिन ने, ये बॉन्डिंग नहीं होने दी और जो नए सेल बन रहे हैं वो नए सेल अपनी सेल वॉल नहीं बना पाएंगे। मीन जो पेंसिलिन एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं इट स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन साइड द बैक्टीरिया, सो न्यूली फॉर्म्ड सेल will not survive without the cell wall and it will die due to the osmotic burst of the cell membrane, right? So यहां पर हम यही अभी तक समझ पाए हैं कि कैसे जो है वो cell wall जो है बनी होती है। तो थोड़ा इसको एक बार फिर से आप study करेंगे तो आपको ये समझ आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको ये बता रहा था कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में आखिर डिफरेंस क्या है, दिस इज ग्राम पॉजिटिव सेल बैक्टीरिया एंड दिस इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस। तो आप इतना समझ लीजिए कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, दे हैव वेरी कह सकते हैं थिक वॉल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, दिस इज पेप्टिडोग्लाइकन जो मैंने पिछले आपको स्लाइड में बना के बताई, दिस इज वेरी थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, दिस इज पेप्टिडोग्लाइकन, ऑल लेयर इज पेप्टिडोग्लाइकन, और इस पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर उसकी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इस तरह की प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। सम प्रोटीन आर आल्सो प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर है वो बहुत ही मोटी होती है, थिक होती है, ठीक है, ओके। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, अब डिफरेंस आप देखेंगे साथ साथ कि ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव में सबसे पहले बाहर आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये आप थोड़ा सा नोट करेंगे इसको, आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट
इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और एक थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन भी यहां पर प्रेजेंट होगी, ठीक है, दिस इज अ थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन और इसके अंदर देयर इज अनदर मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज इनर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अदर प्रोटीन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द proteins are also present in the membrane, आप जानते हैं। इससे अगले जो हम स्लाइड जो लेक्चर देखेंगे उसमें membrane का भी structure हम discuss करेंगे, आप फिलहाल ये देख लीजिए कि membrane present है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो bacteria होते हैं यहाँ पे एक special type का lipid भी present होता है जिसको हम बोलते हैं lipopolysaccharide, actually this is lipid and this is polysaccharide, इसको बोलते हैं lipopolysaccharide, which is present in the gram negative bacteria but not present in the gram positive bacteria, ठीक है। तो आप difference देखिए, peptidoglycan की मोटी layer और बाहर present है, यहां peptidoglycan की जो layer है it is present inner side of the outer membrane, not exposed out, ठीक है। यहां पर डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन एंड दिस इज पेप्टिडो ग्लाइकन, दिस इज पेप्टिडो ग्लाइकन एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विच हैव थिक लेयर ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकन, दिस इज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विच हैव थिन लेयर ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकन हैविंग टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो हैंस क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, उसने एक ऐसी स्टेन डेवलप की, ठीक है। स्टूडेंट स्टेन क्या होती है, कलर टाइप का सब्सटेंस होता है, जैसे एक इंक की तरह ये होता है, ठीक है। और इसको हम जैसे मान लो हमारे पास एक स्लाइड है ये, ठीक, तो स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया है, हमने ये स्टेन इसके ऊपर ऐसे थोड़ी सी डालनी है, ठीक, और ये स्टेन जो है हम इसको बाद में वॉश करेंगे, हालांकि इसकी टेक्निक बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो जो स्टेन वॉश करने के बाद कुछ बैक्टीरिया उस स्टेन को रख लेते हैं, वॉश करने के बाद भी वो स्टेन नहीं जाती है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो वॉश करने के बाद स्टेन को छोड़ देते हैं दे आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। स्टेन को वो इसलिए नहीं रख पाते वॉश करने के बाद क्योंकि उसकी जो पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर है वो थिन है, वो वॉशिंग एक्शन को क्या करते हैं, मतलब कि स्टॉप नहीं कर पाते हैं, और जो स्टेन उनके ऊपर कलर जो उनको हुआ था वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। हालांकि वो एक लंबी टेक्निक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे ग्राम स्टेनिंग, बट द डिफरेंस क्या है इनमें, दैट इज द थिकनेस ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकन मेनली, ठीक है। यहां पर लिपोपॉलीसेक्राइड प्रेजेंट होता है और यहां पर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि जिसको हम बोलते हैं टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड। So, टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड लिपोपॉलीसेकेराइड्स आर प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। सो दिस इज माय लेक्चर ऑन द सेल वॉल, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया and what is the difference between cell membrane of bacteria and the other cells, ठीक है। तो तब तक आप इसके थोड़े notes बनाएंगे और आप एक difference आप net से अपनी books में से gram positive और gram negative bacteria में कोई तीन difference या चार difference लिख के मुझे आप उसका photo send करेंगे। Thank you very much।